झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन की कार्यवाही में कई बार सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होती हुई नजर आई, लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच भी नोकझोंक जैसी नौबत आ गई। वहीं विधायक सीपी सिंह और इरफान अंसारी के बीच में कुछ हंसी मजाक जैसा नजारा भी देखने को मिला। हालांकि दोनों तंजिया तौर पर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नजर भी आए। क्या रही विधानसभा की आज की कार्यवाही, बजट सत्र में किस तरह दोनों पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए। मदन, बजट सत्र ये चल रहा है और अब जबकि सदन को नेता प्रतिपक्ष मिला है, काफी तेवर में विपक्ष भी है सरकार को घेरने के लिए, और इन सब के बीच में आज थोड़ी नोकझोंक जैसी स्थिति भी दिखी। इसे आप नोकझोंक भी कहें या फिर टकराहट की स्थिति भी दिखी। सबसे पहले अगर देखें तो मंत्रियों के सवाल और जवाब जो होते हैं, जो जनप्रतिनिधि सवाल लाते हैं, उसके जवाब को लेकर के टकराहट की स्थिति कई बार देखने को मिला। ये कहा जा रहा था कि मंत्री जवाब देते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन साल भर के बाद भी अगर वही सवाल आए तो वही जवाब आता है, समस्या ज्यों के त्यों धरे रह जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो मजाक के लहजे से शुरू हुआ चीज़ें जो है वो सीरियस भी हुआ। सदन में एक बार स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष के बीच टकराहट की स्थिति दिखी, वो भी इसलिए कि सवालों की संख्या बढ़ा लीजिए लेकिन जवाबों की भी एक तरह से कहें तो उसे संतुष्ट करने का प्रयास होना चाहिए। ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि सवाल को छू कर सिर्फ निकाल लिया जाए तो संख्या आपके पास होंगे अधिक, आपके सत्र के दौरान जो है आप अधिक से अधिक संख्या दिखा देंगे कि प्रश्न को हमने इतना लिया, लेकिन उसके समुचित जवाब ना उस पर कोई कार्रवाई होगी। ऐसे में स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष को कहा कि आप गंभीर हैं और ऐसा आरोप मेरे ऊपर मत लगाएं, क्योंकि हम काफ़ी गंभीरता से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, कितने देर तक एक एक सवाल को ले रहे हैं। फिर दोनों आदमी के बीच जो है एक तरह से कहें तो खेद व्यक्त किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर मेरे बातों से आपको खेद पहुंचा हो तो हम वापस लेते हैं और इतनी देर में आप हमारी बात सुन लेते। वहीं दूसरी तरफ सीपी सिंह और इरफान अंसारी के बीच नोकझोंक हुआ। फिर सुदीप बिसोनू जो जेएमएम के विधायक हैं और उसके बाद अमर बौरी यानी कि नेता प्रतिपक्ष के बीच मर्यादा को लेकर के, उनके पद की गरिमा को लेकर के नोकझोंक हुआ। सीपी सिंह ने इतना तक कह दिया कि कांग्रेस के तीन विधायकों को बंगाल में जो गिरफ्तार किया गया उनकी पिटाई की गई, ऐसे में यहाँ से एक निंदा प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए कि कांग्रेस से किस तरह से ममता बनर्जी ने बदला लिया। इसको लेकर के भी जब इरफान अंसारी बजट के समर्थन में बोल रहे थे तब सीपी सिंह ने यह सवाल उठाया। वहीं जेएमएम के विधायक सुदीप सोनू ने अमर बौरी के उस बयान पर विरोध जताया जो इरफान अंसारी ने कहा था कि जो यहाँ से किसान इजराइल गए थे कि कृषि के तकनीक को सीखने के लिए, वो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उन्हें फर्जी किसान बनाकर जो है इजराइल भेजा गया। इस पर अमर बौरी ने कहा कि हमारे भी क्षेत्र के एक किसान हैं जो जाकर सीख कर आए, आज वो जाकर के पता कर लें कि वो बीजेपी के या आरएसएस से किस से जुड़े हुए हैं, पता चल जाएगा। इस पर जेएमएम के विधायक सुदीप सोनू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को प्रत्येक विधायकों के जवाब में दखल नहीं देना चाहिए, माना कि उन्हें अधिकार है कि वो किसी भी वक्त सदन में बोल सकते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। इस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बौरी ने कहा कि हमें कोई सिखाए नहीं, हमें पद की गरिमा भी समझ में आती है और हमें कब बोलना है ये भी पता है। उन्होंने ये भी कहा कि चार साल तक बिना नेता प्रतिपक्ष के आप लोगों ने सदन को एक तरफा चलाया, अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं इसे गंवाऊंगा नहीं, कहीं पीछे नहीं रहूंगा, इसलिए मैं जब भी मौका मिलेगा मुझे मैं अपनी बात ज़रूर रखूंगा और गलत अगर कोई आरोप लगाएगा तो उसे बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। मदन, एक और बात, कांग्रेस कोटे से ही विधायक और मंत्री अम्बा प्रसाद और बन्ना गुप्ता भी आपस में थोड़ी तल्खी नजर आई इनके बीच में, तो ये सब क्या आने वाले दिनों में कोई सियासी बदलाव का संकेत भी देता है? देखिए, नाराजगी का दौर जो है फिलहाल जारी है। कांग्रेस के जो 9 विधायक दिल्ली गए थे, 8 विधायक, वो अभी भी नाराज हैं, ये बात तय माना जाए। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए प्रभारी भी झारखंड आ रहे हैं, एक बातचीत होगी, एक बैठक होगी, उसके बाद क्या उनकी नाराजगी दूर होती है। लेकिन आज सवालों के जवाब से असंतुष्ट होकर के और एक समय सीमा निर्धारित करने को लेकर के बन्ना गुप्ता और अम्बा जो है आमने सामने हुए थे, तो ये तय मानिए कि गर्माहट और करवाहट दोनों सदन के भीतर जो है देखने को मिल रहा है।
तो चलिए, झारखंड विधानसभा में आज कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली जहां पर काफी नाराज नजर आए नेता प्रतिपक्ष अमर बौरी और विधानसभा स्पीकर से थोड़ी नोकझोंक जैसी स्थिति नजर आई। हालांकि उसके बाद अंबा प्रसाद जो कांग्रेस के ही विधायक हैं और जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनमें भी थोड़ी सी तीखी बहस जैसी स्थिति देखने को मिली। बजट सत्र का भी कुछ दिन बाकी है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आगे और कार्रवाई चलती है और राज्य के कौन कौन से मुद्दे उठते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 22 स्कोप के साथ।